उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी कांड में अपने एफआईआर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम दर्ज किया है। इनके अलावा अन्य कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। लेकिन यूपी पुलिस ने अब तक ना तो किसी को गिरफ्तार किया है और ना ही किसी को हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रविवार को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में एफआईआर में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे कार में ही मौजूद थे। हालांकि किसानों को कुचलने वाली कार के बारे में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने उनकी ही कार होने की बात कबूल की है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के कार में होने से एक बार फिर इनकार किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ लखीमपुर खीरी में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए यूपी पुलिस ने आशीष के खिलाफ मर्डर केस दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि घटना में गोलियां चलाई गईं, जिससे हिंसा हुई और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को किसान नेता टिकैत ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने और उनके बेटे के साथ उनको भी गिरफ्तार करने की मांग की। टिकैत ने ट्विटर पर पोस्ट किया, लखीमपुर खीरी में निर्णय आंदोलन का अंत नहीं है। मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन्हें उनके बेटे के साथ तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार को तय समय में अपने वादे को पूरा करना चाहिए। योगी सरकार पर फिर विपक्ष के नेताओं को घटनास्थल पर जाने से रोकने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल के साथ उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित जिले का दौरा करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है, वो अभी भी हिरासत में हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन में मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी हमला किया। उन्होंने कहा किसानों को जीप से कुचला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इस घटना में एक केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। आज प्रधानमंत्री लखनऊ गए, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। ये किसानों पर सुनियोजित हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।